कि क्या कहा उसने मुझे छुआ नहीं, क्या कहा उसने मुझे छुआ नहीं, ये पूछ उस रात क्या हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैं चार पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि ये कैसी नौबत, ये कैसा मंजर है। जय भैया देखें कि ये कैसी नौबत, ये कैसा मंजर है, मेरी आंखों में मोहब्बत उसके हाथों में खंजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों में मोहब्बत उसके हाथों में खंजर है, और ये दिल इसमें रिश्तों की फुलवारी थी, ये दिल इसमें रिश्तों की फुलवारी थी, आज यही जमीन सबसे ज़्यादा बंजर है, आज यही ज़मीन सबसे ज़्यादा बंजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दो लाइनें और रखता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कैसा हमसफ़र होना चाहिए, मतलब मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, आपका पता नहीं, कि ये बहुत रहलिया शहर में, बहुत रहलिया शहर में अब गाँव की ताजगी चाहिए। शेर देखें, बहुत रहलिया शहर में अब गाँव की ताजगी चाहिए, मुझे मेरे हमसफ़र में सिर्फ सादगी चाहिए, मुझे मेरे हमसफ़र में सिर्फ सादगी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चार पंक्तियां और रखता हूँ कि जब अपनी रिलेशनशिप परवान चढ़ चुकी होती है, उसे शादी के अंजाम तक ले जाना है, तब जो लड़का एक लड़की से कहता है, मैं वो रखता हूँ आपके सामने कि तुम्हें करीब से जान लिया है, तुम्हें करीब से जान लिया है, माँ से मिलाओगी क्या, तुम्हें करीब से जान लिया है, माँ से मिलाओगी क्या, कल तुम्हारे घर आऊँगा रिश्ते की बात चलाओगी क्या, कल तुम्हारे घर आऊँगा रिश्ते की बात चलाओगी क्या, पापा होंगे घर पर ना हो तो बुला लेना। देखिए कि पापा होंगे घर पर ना हो तो बुला लेना, साथ में बैठकर अदरक वाली चाय पिलाओगी क्या, कल तुम्हारे घर आऊँगा रिश्ते की बात चलाओगी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, मैंने बुज़ुर्गों के नाम लिखा था, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ध्यान से सुने और उस पर अमल करें तो बेहतर होगा। मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ कि वो मखमली गद्दा जो पुराना हो चुका है, वो मखमली गद्दा जो पुराना हो चुका है, अब उठ के आ गया है उसके लिए जो घर में सबसे पुराना हो चुका है, अब उठ के आ गया है उसके लिए जो घर में सबसे पुराना हो चुका है, और बनाया उसने वो घर पाई पाई जोड़कर। हकीकत जो होता है मैं वो दर्शा रहा हूँ कि बनाया उसने वो घर पाई पाई जोड़कर, आज उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है, आज उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है, और बनाया था उसने जो पूजा का कमरा। शेर देखे कि बनाया था उसने जो पूजा का कमरा, वो आज उसके बेटे का मैखाना हो चुका है, और उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है, जो कबाड़ खाना हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चार पंक्तियां और रखता हूँ इसी की कि आज उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है, और कमाया उसने अपनी सांसें जोड़कर, कमाया उसने अपनी सांसें जोड़कर, ऐश कर रहे हो तुम उसकी सांसें बेचकर, कमाया उसने अपनी सांसें जोड़कर, ऐश कर रहे हो तुम उसकी सांसें बेचकर, क्या उसके लिए तुम्हारा दिल वीराना हो चुका है, और उसका खुद का कमरा वो है जो कबाड़ खाना हो चुका है, जो कबाड़ खाना हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समय हो तो मैं एक और गज़ल में सुनाना चाहता हूँ, अगर हो समय तो कि तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो। गज़ल का मतलब देखें कि तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो, पानी बगैर दरिया हो तो क्या हो, तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो, पानी बगैर दरिया हो तो क्या हो, मैं तुझे अपना न कह सका अब खुदकुशी ना हो तो क्या हो, मैं तुझे अपना न कह सका अब खुदकुशी ना हो तो क्या हो, मौत से डरकर मर रहे हैं लोग, मौत से डरकर मर रहे हैं लोग, जिंदगी का सताया हो तो क्या हो, मौत से डरकर मर रहे हैं लोग, जिंदगी का सताया हो तो क्या हो, और वो जो दे रहा है खाना सबको, मैं आप सबकी दाद चाहूँगा इस पे कि वो जो दे रहा है खाना सबको, वही किसान भूखा हो तो क्या हो, वही किसान भूखा हो तो क्या हो, और जो दुश्मन रच रहा है प्रपंच सारे, जो दुश्मन रच रहा है प्रपंच सारे, वो अपना ही सगा हो तो क्या हो, वो अपना ही सगा हो तो क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।